राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे खंडवा जिले के 16 छात्र आज सुबह वापस खंडवा लौट आए। मध्य प्रदेश सरकार ने इन छात्रों को लाने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। कोटा से आगर मालवा होते हुए बस से इन बच्चों को खंडवा लाया गया, फिर ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को इनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। खंडवा पहुंचते ही सभी छात्रों की डॉक्टरों की टीम ने स्क्रीनिंग की और उसके बाद बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। खंडवा पहुंचे इन बच्चों ने बताया कि कोटा में उन्हें कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोटा में जो अलग अलग जिलों के विद्यार्थी कोचिंग के लिए रुके हुए थे, उनको लाने के लिए प्रदेश स्तर पर व्यवस्था की गई थी। इसमें ग्वालियर से ही 140 बसें भेजी गई थी कमिश्नर साहब के माध्यम से, और उसमें खंडवा के 16 विद्यार्थी थे उनके लिए एक बस आवंटित की गई थी। उस बस में श्री जामोद जी सुबेदार साहब प्रभारी बन के गए थे और वहाँ से 16 बच्चे स्क्रीनिंग करने उपरांत आगर मालवा से होते हुए यहाँ पे लाए गए हैं। और अभी हम इन 16 बच्चों की यहाँ पुनः स्क्रीनिंग हुई है, उनको घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं डॉक्टर पार्वती भाई द्वारा कि कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और अब हम इन 16 जो लोग बच्चे हैं उसमें जो लोकल के हैं उनको तो उनके पेरेंट्स ले जा रहे हैं, और बाकी जो बाहर के हैं जैसे पुनासा रूट के हैं, पंधाना के 4 बच्चे हैं, तो उनको हम अब छोटे साधनों से छुड़वा रहे हैं। मेरा नाम आर्य अस्थाना है, मैं एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वहाँ अधिकतर बच्चे जा चुके थे और हम लोग वह फंस गए थे और हम नहीं आ पा रहे थे वहाँ से, और वहाँ पढ़ाई तो हो नहीं पाती थी और हमेशा डर लगा रहता था। और मैं बहुत आभारी हूँ कि एमपी सरकार ने हमें यहाँ लाने के लिए भेजा। हमें बस भेजी गई थी, फिर वहाँ से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था, हमें खाना पीना सब कुछ दिया गया था, फुल सैनिटाइज किया गया था। हाँ, कोटा से लौटे इन बच्चों ने घर वापसी के बाद मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। खंडवा से न्यूज़ के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।